દેશમાં પ્રથમ વખત દિલ્હીની બહાર ગુજરાતના સુરત શહેરમાં 3 દિવસીય સ્માર્ટ સિટી સમિટનું આયોજન થશે અને આ સમિટમાં સ્માર્ટ સિટી એવોર્ડ પણ આપવામાં આવશે અને સ્માર્ટ સિટી સ્માર્ટ અર્બનાઇઝેશન સમિટમાં દેશભરના વિવિધ મહાનગરોના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને જેને લઈને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલમાં પૂરજોશમાં તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને આ સમિટમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યના મંત્રીઓની હાજરીમાં કુલ 51 અલગ અલગ સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટને એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવશે અને જેમાં સુરત શહેરનો પણ સમાવેશ થાય છે. યે જો સ્માર્ટ સિટી કા સમિટ હે ઇસમેં પહેલી બાર હમને એક એપ્લિકેશન બનાયા હે જિસકે તહત હમકો રજિસ્ટ્રેશન કિતના હો રહા હે વો હમકો પહેલે સે ઇન્ફોર્મેશન મિલ રહા હે કૈસે ડિફરન્ટ થીમ્સ ઓર ડિફરન્ટ સાઇટ વિઝિટ્સ મેં લોગ પાર્ટિસિપેટ કરેંગે ઉસસે હમકો ઇન્ફોર્મેશન મિલતા હે તો इस बार ये जो स्मार्ट सिटी समिट है उसमें अभी तक 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और भी रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं. ये जो रजिस्ट्रेशन हैं ये रजिस्ट्रेशन में हमको उनके जो थीमेटिक इंटरेस्ट है उसको हमको देख के आगे ये होगा. ये स्मार्ट सिटी समिट में मेनली 51 सिटीज अवॉर्डी होंगे. हमने जैसे सूरत ने काफ़ी मेहनत किया है पिछले दिनों में, लास्ट 3 साल से सूरत देश के स्मार्ट सिटीज में नंबर 1 रहा है. इस बार भी हमको उम्मीद यह है कि सूरत अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूर्ण हुए हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं वो हुए हैं, यूटिलाइजेशन हुए हैं, तो उसके तहत हमको अपेक्षा है, आशा है सूरत को भी जो ये जो अवार्ड फंक्शंस हैं वो 2 प्रकार के अवार्ड फंक्शंस होंगे, एक प्रोजेक्ट अवार्ड फंक्शन और दूसरा एक सिटी ओवरऑल सिटी अवार्ड फंक्शंस होंगे. हमको आशा है कि सूरत को भी कुछ जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है, हमने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, तो उसका जो फल 18 तारीख को पता होगा कि क्या सूरत को मिल रहा है. लेकिन बात यह है कि अभी जिस हिसाब से सूरत में स्मार्ट सिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये जो स्मार्ट चाहे रोड वर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो जिस हिसाब से सूरत फ्यूचरिस्टिक एक सिटी है, सिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज हम कहते हैं सूरत है, तो ये कैसे आगे वाले दिनों में शेप करेगा, ये जो स्मार्ट सिटी समिट हमको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. कौन कौन मिनिस्टर साथ में रहेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे हम आशा रखते हैं कि जो ऑनरेबल महुआ के मिनिस्टर ऑनरेबल श्री हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, उसके साथ साथ श्री अश्विन वैष्णव साहब हैं जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आईटी और रेलवेज हैं, उसके साथ साथ जो किशन रेड्डी साहब हैं वो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कल्चर वो रहेंगे, उसके साथ साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी रहेंगे, और यहाँ के जो हमारे दर्शनाबेन जरदोश वो भी रहेंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया जो हैं वो भी रहेंगे, यहाँ के जो सांसद श्री सी आर पाटिल जी, दूसरे जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो भी रहेंगे. तो ये पूरा जो इवेंट होगा इसमें हमारे जो भारत सरकार के माननीय मंत्रीश्रियों, गुजरात सरकार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और दूसरे मंत्रीश्रियों और हमारे लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका उपस्थिति इस इवेंट का गरिमा बढ़ाएगा. मैं हमारे जाना है तो सूरत की तरफ से क्या है सूरत के लिए? पहली बात तो यह है कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि स्मार्ट सिटी समिट भारत का सूरत में हो रहा है. जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये जो समिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. सूरत ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं, जैसे सूरत में पहला चीज़ ये है कि पूरे देश में ऐसा एक शहर है जहां 140 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन सीवेज वाटर से होता है थ्रू टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट.
ये बताया जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि सूरत ऐसा एक सिटी है जहाँ 35% हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आता है, वो उसको बताया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि हमने जो बायोडाइवर्सिटी पार्क और क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ में जो काम हुआ है, इसमें एक ही ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो इतना विशाल है, उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो हेरिटेज है, ये जो किला है लगभग हजारों साल का जो किला है, उसको कैसे हमने पुनरुद्धार किया है उसको बताया जाएगा। सूरत में जो स्मार्ट सिटीज़ में जो काम हुए हैं, पैन सिटीज़ में हो, एबीडी में हो, उसको बताया जाएगा। उसके उपरांत अभी जो बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जैसे सूरत में रिंग रोड जो है वो पूरा लैंड पुलिंग मेथड से कैसे बनाया गया है, उसके ऊपर चर्चा विमर्श होगा। उसके साथ साथ अभी डायमंड बुर्ज और ड्रीम सिटी का काम जो है वो पूर्ण तबक्का में है, उसको बताया जाएगा। हमारा जो मेट्रो रेल है, सूरत मेट्रो कैसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन करेगा, उसको बताया जाएगा। मेट्रो जो है वो हमारे BRTS और पूरा जो सिस्टम है कैसे इंटीग्रेटेड है, उसको बताया जाएगा। BRTS जो लॉन्गेस्ट BRTS नेटवर्क देश का है, उसको बताया जाएगा। और कैसे हमारे सिस्टम्स, चाहे IFCS हो, ATCS हो, ये सब कैसे इंटीग्रेटेड फॉर्म्स में चल रहे हैं, सिंगल टिकटिंग में सिटी बस और BRTS में कैसे चल रहा है, ये भी बताया जाएगा। सूरत मनी कार्ड भी बताया जाएगा। ये सब जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं सूरत शहर के, ये बताए जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा सूरत रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट हो, हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट दूसरे हैं, हमारे जो सूरत ऑफिस बिल्डिंग आ रहा है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का बिल्डिंग एक ही जगह आ रहा है, ये जो सब कॉन्सेप्ट है वो भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ सूरत दूसरे सिटीज से भी लर्न करेगा कि दूसरे सिटीज में जो अच्छा काम हो रहा है उसमें कैसे हम लोग सीख सकते हैं, उसको भी सूरत देखेगा। ये सूरत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग अपने जो पूरा एक विचार, एक चिंतन रहेगा उसका, कैसे मैक्सिमम हमको बेनिफिट मिल सके, सूरत को कैसे बेनिफिट मिल सके, सूरत के प्रोजेक्ट्स को कैसे हम दूसरे सिटीज़ को बता पाएँ, ये मुख्य रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो स्मार्ट सिटी मिशन, ये कैसे मूवमेंट का स्वरूप लेगा आगे वाले दिनों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि देश में 370 मिलियन का जो अर्बन पॉपुलेशन अभी का है वो 590 मिलियन पॉपुलेशन 2030 में पहुंचेगा। तो इतना बड़ा पैमाने पर लोग जब अर्बन एरियाज में आएंगे तो उनके लिए हम अभी से कैसे प्लान करें। और उसके साथ साथ हमारा जो GDP है वो GDP अर्बन एरियाज से 70% GDP हमारा देश का जो आता है अर्बन एरियाज से आता है। तो अर्बन एरियाज को कैसे हम समृद्ध रखें और कैसे हम उसके लिए प्लानिंग अभी से किया जाए, ये सब चीज़ ये जो स्मार्ट सिटी समिट होगा, इसमें नेशनल इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ ये चर्चा विमर्श होगा। सूरत थी गुजरात तक माटे संजय सिंह राठौर अहवाल।